और अब बात करते हैं पहाड़ पर हो रही बर्फबारी और मौसम के करवट की। पहाड़ से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक ठंड ने कहर बरपाया हुआ है। गिरता हुआ पारा और बढ़ता हुआ कोहरा लोगों की जान लेने पर तुला हुआ है। ये 6 तस्वीरें अलग अलग जगहों से आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर कि धुंध से किस तरह से शहर में कहर बरपा हुआ है। गाजियाबाद, लखनऊ, बस्ती, नोएडा, सीतापुर और अयोध्या समेत तमाम शहर में धुंध की चादर साफ दिखाई पड़ रही है। ऐसे में रफ्तार पर भी ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है और इसी के ये पारा भी गिर रहा है, तो ऐसे में कई जगहों पर लोग अलाव का सहारा लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो आलम यह है कि पिछले 2 दिनों में कोहरे के चलते सड़क हादसों में भी 17 लोगों की जान चली गई। हाईवे पर फर्राटा भरने वाली गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही है। जगह जगह पर लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। तो भीषण ठंड को देखते हुए कई शहरों में स्कूलों के समय में भी तब्दीली की गई है, जिससे बच्चों को इस हाड़ कपा देने वाली ठंड से थोड़ी राहत मिल सके। साथ ही ठंड के साथ साथ कई शहरों पर पॉल्यूशन भी हावी होता नजर आ रहा है। तो बात करें गाजियाबाद की, तो शहर में AQI का स्तर 350 के पार पहुंच गया है, जिसके चलते शहर की हवा बेहद जहरीली हो चुकी है। तो ये 6 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि जिस तरह से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, तो दिनों दिन कोहरे का असर भी लगातार बढ़ते हुए जो हादसे को दावत दे रहा है। तो कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त करके रख दिया है। और एक तरफ जहां गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है, तो वहीं दूसरी तरफ वाराणसी में पर्यटक नौका विहार कर ठंड और कोहरे का लुत्फ उठा रहे हैं। इस कोहरे के बीच बच्चे ठिठुरते हुए स्कूल जा रहे हैं और किसान भी अपने खेतों की फसलों को लेकर काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। कोहरा तो पड़ रहा है, लेकिन क्या करें सर, वही है कि हम लोग रोड पे अपना शरीर बचाते हुए और कोहरा को देखते हुए चल रहे हैं। सर यही है कि हम लोग को आने जाने में दिक्कत हो रही है, कोहरा से बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ रही है और रोड पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कोहरा आज बहुत ज्यादा है। कोहरे में तो बहुत दिक्कत हो रही है, जो अपने से सावधानी नहीं रहेगा तो आगे तो दुर्घटना होनी ही होनी है। कोहरा इस समय देख रहे हैं अंधेरे टाइप है, वैसा में तो बच के चलना पड़ेगा। जो अपने से सावधान नहीं जाएगा, अपनी सावधानियां नहीं बरकाएगा तो आगे चल के तो दिक्कत होगा ना। कुहेसा तो बहुत ज्यादा है, काफी कुहेसे में तो गाड़ी चलाना भाई दुर्घटना तो हो ही सकती है। घने कोहरे का चादर जो है वो कहीं ना कहीं सड़कों पर अपना असर दिखा रहा है, यही वजह है एक्सीडेंट की घटनाओं में लगातार वृद्धि होती जा रही है। घने कोहरे ने इस समय वाराणसी के घाटों की सुंदरता जो है वो अपनी आगोश में समा लिया है। आप देख सकते हैं इस समय हम बनारस के गंगा घाट के तट पर हैं और यहाँ धूप नहीं निकली हुई है और दूर दराज से आने वाले सैलानी जो है, जो पर्यटक हैं, वो कहीं ना कहीं घने कोहरे की वजह से घाटों का सुंदरता या उसका नजारा नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि लगातार जो कोहरा बढ़ता जा रहा है उससे कहीं ना कहीं जो नौका विहार की सवारी कर रहे हैं वो पर्यटक घाटों का आनंद नहीं ले पा रहे गंगा के बीच से। और जो कहा जाता है कि काशी में सूर्य की पहली किरणें गंगा को और भी रोशनीदार बनाती हैं, वो सूर्य की किरणें भी वाराणसी में नहीं देखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं कोहरे का कोहराम वाराणसी में भी देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश